जेनन अलेप्पो सीरिया से एक 7 वर्षीय सीरियन शरणार्थी है जो दिसंबर 2016 में अपनी माँ और भाई के साथ कनाडा पहुँचे और टोरंटो में रहते हैं। वह अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी कक्षाओं में भाग ले रही है। एमी कनाडा में पैदा एक 7 साल की लड़की है और जेनन के ही स्कूल में जाती है। वह उसके पड़ोस में रहती है। एक दिन एमी और जेनन पार्क में खेल रहे होते हैं। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एमी जानती है कि जेनन इस क्षेत्र में नई है, लेकिन पता नहीं क्यों वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती। जैसे ही एमी स्लाइड पर चढ़ती है, साइड की रेल से निकला हुआ एक पेज एमी की ट्राउजर में फंस जाता है। एमी अचानक नियंत्रण खो देती है और गिर जाती है। जेनन उसे मदद करने के लिए भागती है। जेनन हाथ पकड़कर एमी को उठाती है। वह एमी के कपड़ों से घास और मिट्टी को झाड़ती है। धन्यवाद। हे भगवान, मेरी ट्राउजर तो फट गई है। जेनन एमी को इशारों से रोने के लिए मना करती है और उसकी ट्राउजर की ओर इशारा करके उसे उसकी ट्राउजर देने के लिए कहती है। एमी भागकर अपनी माँ के पास जाती है, जो कि बेंच पर बैठकर उसके लिए स्कार्फ बुन रही है। माँ, मेरी ट्राउजर फट गई है, लेकिन इस लड़की ने मुझे उठने और मेरी ट्राउजर को साफ करने में मदद की। नमस्ते बेटा, आपका नाम क्या है? जेनन। क्या आप कनाडा में नए हैं? सीरिया। जेनन एमी की तरफ इशारा करती है, जैसे कि वह उससे उसकी ट्राउजर मांग रही हो। तुम्हें ये ट्राउजर चाहिए? नहीं बेटा, हम आपको नया दे देंगे। मुझे दे दो, मेरी माँ घर। एमी और उसकी माँ घर जाते हैं। एमी जोर देकर कहती है कि जेनन ने उसकी मदद की, इसलिए वह जेनन को यह ट्राउजर देना चाहती है। एमी, हम जेनन को नई ट्राउजर लेके दे देंगे। नहीं माँ, वह यही ट्राउजर चाहती है और मैं उसे यही देना चाहती हूँ। नहीं एमी, ये फटा है, हम उसको एक नई ट्राउजर लेकर दे देंगे। ठीक है, हम उसे नई ट्राउजर दे देंगे, लेकिन हम उसे यह भी दे देंगे। ठीक है, हम इसे धो लेंगे और उसको दोनों दे देंगे। क्या आप तुम खुश हो? हाँ माँ। अगले दिन एमी और उसकी माँ जेनन के घर जाते हैं। वह जेनन को नया और फटा हुआ दोनों ट्राउजर देते हैं और जेनन की माँ से माफी मांगते हैं। माफ कीजिए, एमी जेनन को यह देना चाहती थी, कृपया आप फटा हुआ थ्रिफ्ट स्टोर में छोड़ दें और नया वाला रख लें। ओ, धन्यवाद, कोई बात नहीं। जेनन अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहती है। ठीक है जेनन। एक सप्ताह के बाद जेनन, उसकी माँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता एमी के घर आते हैं। नमस्ते, आप कैसे हैं? जेनन की माँ एमी का फटा हुआ ट्राउजर निकालती है और उस पर की हुई लाल और काले रंग की कढ़ाई दिखाती है। सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें बताती है कि जेनन ने एमी को ट्राउजर देने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जेनन की माँ अलेप्पो की पारंपरिक कढ़ाई के बारे में जानती है। वह अलेप्पो में एक स्कूल शिक्षक थी और उसने अपनी दादी से कढ़ाई सीख ली थी। पुराने समय में लड़कियां खुद अपने दूल्हे के लिए कढ़ाई की हुई जैकेट तैयार किया करती थी और कढ़ाई से दुल्हन की प्रतिभा दिखाई देती थी। जेनन ट्राउजर एमी को देती है और सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें बताती है कि जेनन कह रही है कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से तुम्हारी ट्राउजर की कढ़ाई कर दी है। जेनन के पिता अलेप्पो में एक बम विस्फोट में मारे गए थे,
जिसके बाद जेनन और उसकी माँ रिफ्यूजी कैंप में चले गए। जेनन की माँ ने खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए अपनी दादी के द्वारा सिखाए गए कढ़ाई कौशल का इस्तेमाल किया। कढ़ाई उसके लिए एक चिकित्सा की तरह है। एमी अंदर जाती है और उसका स्कार्फ लेकर आती है, जो कि उसकी माँ ने उसके लिए बुना था, और कहती है, जेनन, मैं भी तुम्हें अपनी माँ के हाथों से बुना हुआ कुछ देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जेनन, आओ, चलो स्विंग पर खेलते हैं। ठीक है एमी, आ रही हूँ। क्या आपको लगता है कि दुनिया के बच्चों का इस तरह अपने घरों से विस्थापित होना और शरणार्थियों के रूप में रहना उचित है? युद्ध और संघर्षों के कारण दुनिया में 65.6 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। इनमें से करीब 22.5 मिलियन शरणार्थी हैं, जिनमें से आधे से अधिक 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। जेनन अलेप्पो सीरिया से एक 7 वर्षीय सीरियन शरणार्थी है, जो दिसंबर 2016 में अपनी माँ और भाई के साथ कनाडा पहुंचे और टोरंटो में रहते हैं। वह अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी कक्षाओं में भाग ले रही है। एमी कनाडा में पैदा एक 7 साल की लड़की है और जेनन के ही स्कूल में जाती है। वह उसके पड़ोस में रहती है। एक दिन एमी और जेनन पार्क में खेल रहे होते हैं। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एमी जानती है कि जेनन इस क्षेत्र में नई है, लेकिन पता नहीं क्यों वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती। जैसे ही एमी स्लाइड पर चढ़ती है, साइड की रेल से निकला हुआ एक पेज एमी के ट्राउजर में फंस जाता है। एमी अचानक नियंत्रण खो देती है और गिर जाती है। जेनन उसे मदद करने के लिए भागती है। जेनन हाथ पकड़कर एमी को उठाती है। वह एमी के कपड़ों से घास और मिट्टी को झाड़ती है। धन्यवाद। हे भगवान, मेरी ट्राउजर तो फट गई है। जेनन एमी को इशारों से रोने के लिए मना करती है और उसकी ट्राउजर की ओर इशारा करके उसे उसकी ट्राउजर देने के लिए कहती है। एमी भागकर अपनी माँ के पास जाती है, जो कि बेंच पर बैठकर उसके लिए स्कार्फ बुन रही है। माँ, मेरी ट्राउजर फट गई है, लेकिन इस लड़की ने मुझे उठने और मेरी ट्राउजर को साफ करने में मदद की। नमस्ते बेटा, आपका नाम क्या है? जेनन। क्या आप कनाडा में नए हैं? सीरिया। जेनन एमी की तरफ इशारा करती है, जैसे कि वह उससे उसकी ट्राउजर मांग रही हो। तुम्हें ये ट्राउजर चाहिए? नहीं बेटा, हम आपको नया दे देंगे। मुझे दे दो, मेरी माँ घर। एमी और उसकी माँ घर जाते हैं। एमी जोर देकर कहती है कि जेनन ने उसकी मदद की, इसलिए वह जेनन को यह ट्राउजर देना चाहती है। एमी, हम जेनन को नई ट्राउजर लेके दे देंगे। नहीं माँ, वह यही ट्राउजर चाहती है और मैं उसे यही देना चाहती हूँ। नहीं एमी, ये फटा है, हम उसको एक नई ट्राउजर लेकर दे देंगे। ठीक है, हम उसे नई ट्राउजर दे देंगे, लेकिन हम उसे यह भी दे देंगे। ठीक है, हम इसे धो लेंगे और उसको दोनों दे देंगे। क्या आप तुम खुश हो? हाँ माँ। अगले दिन एमी और उसकी माँ जेनन के घर जाते हैं। वह जेनन को नया और फटा हुआ दोनों ट्राउजर देते हैं और जेनन की माँ से माफी मांगते हैं। माफ कीजिए, एमी जेनन को यह देना चाहती थी। कृपया आप फटा हुआ थ्रिफ्ट स्टोर में छोड़ दें और नया वाला रख लें। ओ, धन्यवाद, कोई बात नहीं। जेनन अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहती है, ठीक है जेनन। एक सप्ताह के बाद जेनन, उसकी माँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता एमी के घर आते हैं। नमस्ते, आप कैसे हैं? जेनन की माँ
एमी का फटा हुआ ट्राउजर निकालती है और उस पर की हुई लाल और काले रंग की कढ़ाई दिखाती है। सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें बताती है कि जेनन ने एमी को ट्राउजर देने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जेनन की माँ अलेपो की पारंपरिक कढ़ाई के बारे में जानती है। वह अलेपो में एक स्कूल शिक्षक थी और उसने अपनी दादी से कढ़ाई सीख ली थी। पुराने समय में लड़कियां खुद अपने दूल्हे के लिए कढ़ाई की हुई जैकेट तैयार किया करती थी और कढ़ाई से दुल्हन की प्रतिभा दिखाई देती थी। जेनन ट्राउजर एमी को देती है और सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें बताती है कि जेनन कह रही है कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से तुम्हारी ट्राउजर की कढ़ाई कर दी है। जेनन के पिता अलेपो में एक बम विस्फोट में मारे गए थे जिसके बाद जेनन और उसकी माँ रिफ्यूजी कैंप में चले गए। जेनन की माँ ने खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए अपनी दादी के द्वारा सिखाए गए कढ़ाई कौशल का इस्तेमाल किया। कढ़ाई उसके लिए एक चिकित्सा की तरह है। एमी अंदर जाती है और उसका स्कार्फ लेकर आती है जो कि उसकी माँ ने उसके लिए बुना था और कहती है, जेनन मैं भी तुम्हें अपनी माँ के हाथों से बुना हुआ कुछ देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जेनन आओ चलो स्विंग पर खेलते हैं। ठीक है एमी, आ रही हूँ। क्या आपको लगता है कि दुनिया के बच्चों का इस तरह अपने घरों से विस्थापित होना और शरणार्थियों के रूप में रहना उचित है? युद्ध और संघर्षों के कारण दुनिया में 65.6 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। इनमें से करीब 22.5 मिलियन शरणार्थी हैं, जिनमें से आधे से अधिक 18 वर्ष से कम उम्र के हैं।